भाग्यनगर में शारदा नाम की एक सास रहा करती थी। वो बहुत ही लड़ाकिन किस्म की थी। शारदा का बेटा रमेश उसका चिकन का कारोबार था। अनामिका रोज अपने पति के लिए दोपहर का खाना ले जाती थी और कुछ वक्त वहीं रहती थी। शाम तक लौट आती थी, फिर घर आके खाना पकाया करती थी। पर शारदा को बहू का ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। शारदा को लगता था कि बहू उसके नखरे बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसीलिए ऐसा करती है। तभी एक दिन शारदा कहती है, अनामिका आज मैं अपने बेटे से मिलने जाऊंगी, मैं ही उसका टिफिन ले जाऊंगी, तुम घर पे रहो। अरे सासुमा, आप वहाँ जाकर कैसे काम करेंगी? आप ठीक से नहीं कर पाएंगी। मैं वहाँ जाऊंगी तो कुछ काम में मदद कर सकती हूँ। बेचारे को कौन मदद करेगा बताइए? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मुझे कोई काम नहीं आता, मैं निहायती आलसी हूँ। ऐसा क्यों कह रही है सासुमा? मैंने ऐसा कहा क्या? बहुत हो गया, अब ये सब नाटक बंद करो। आज मुझे अपने बेटे से मिलने जाना ही है। आते समय एक मुर्गी ले आऊंगी, चिकन बिरयानी बनाना और जो जो उसके लिए सामग्री चाहिए इंतजाम करके रखना, ठीक है? ठीक है सासुमा। फिर शारदा खाने का डब्बा लेके रमेश के पास चली जाती है। रमेश चिकन शॉप में चिकन काट रहा होता है। शारदा को देखकर वो थोड़ा परेशान हुआ। क्या हुआ माँ? अनामिका कहाँ है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। बहुत दिन हो गया था तुम्हारा दुकान देखने आई कि कारोबार कैसा चल रहा है। ओ अच्छा, ठीक ही चल रहा है माँ। रमेश बात कर ही रहा था कि शारदा दुकान के चारों ओर घूमकर देखने लगती है। सारी मुर्गियों को एक तरफ लटका के रखा था और एक मुर्गी को अलग रखा था। ये देखकर शारदा रमेश से पूछने लगती है, अरे बेटा एक बात बताओ, इसे तुम अलग से क्यों लटका रखे हो? क्या हुआ है? असल में अनामिका को ये बहुत पसंद है माँ, जब भी वो आती है तो इसके साथ खेलती है। इसे ना काटू इसीलिए अलग रखा हूँ। सारी मुर्गियों के साथ ये नियम नहीं, सिर्फ इसके साथ क्यों? आज मैं इसे काट के घर लेके जाऊंगी, चिकन बिरयानी खाना है मुझे। माँ ऐसा मत करो, माँ ऐसा करना सही नहीं है, अनामिका को बहुत बुरा लगेगा। फिर तुम कोई भी मुर्गी काटो मुझे बुरा लगेगा, तो क्या तुम मुर्गियाँ काटना छोड़ दोगे बताओ? ये क्या माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? अनामिका जो करती है वो तुम भी करोगे क्या? कैसी कैसी बातें करने लगी हो आजकल तुम? अगर वैसा नहीं है तो मेरी बात सुनो, मुझे दे दो और अगर नहीं दिए तो मैं खुद ही ले लूंगी। रमेश के लाखों बार मना करने के बावजूद शारदा उसी मुर्गी को घर ले गई। अनामिका जब देखी तो उसे बहुत बुरा लगा। इसे अच्छे से काटो और छोटे छोटे पीस बना के बिरयानी बनाओ, ठीक है ना? इस मुर्गी के अंडे भी अच्छे हैं, इसे उबाल के बिरयानी में डाल दो। ऐसे खड़े खड़े क्या सुन रही हो? मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ, जाके करो। ठीक है सासुमा, मैं करती हूँ। उस मरे हुए मुर्गी को ले जाके अनामिका छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है। वो उन अंडों को देखती है, उन अंडों को ले जाके वो अलग जगह रख देती है। फिर सासुमा को बिरयानी बना के दे देती है, पर वो अंडों को उबालती नहीं। वो फैसला लेती है कि सासुमा को वो अंडे नहीं देगी। अंडे कहाँ गए? तुमने नहीं डाला क्या? क्या हुआ उनका? वो जब मैं मुर्गी साफ कर रही थी तो अंडे गिर गए और वो टूट गए, इसीलिए मैं नहीं बना पाई। तुम्हारी बातें सच्ची होगी, फिर भी मुझे देखना होगा, चलो दिखाओ। एक मिनट सासुमा, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ, पानी पी के फिर देख लीजिएगा। ठीक है, जल्दी ले आओ। ऐसा कह के अनामिका जल्दी से किचन में जाती है और सासुमा के डर से उन अंडों को लेकर बगान में फेंक देती है। फिर जल्दी से पानी ले आके सासुमा को देती है। पानी पीने के बाद शारदा बाहर जाती है देखने के लिए। उसने अंडों को नीचे गिरा हुआ देखा तो वो लौट के घर आ गई। ठीक है, अगली बार ध्यान रखना ताकि अंडे नीचे ना गिरे। इस बार तुमने अच्छा बनाया है, बहुत स्वादिष्ट हुए हैं। अपने पति के लिए थोड़ा ले जाके दे आओ, खुद मत खा लेना, ठीक है? ठीक है सासुमा। उस रात अनामिका रात भर उन अंडों के बारे में ही सोचती रह गई। अगले दिन सुबह सुबह वो जल्दी से बगान में जाती है, देखती है वहाँ अंडों के बीचों बीच से पौधे निकले हुए हैं। ये देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। शारदा को भी वो जाके पूरी बात बताती है। शारदा भी बगान में जाती है देखने। ये क्या, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है, ये कैसे हुआ? मुझे भी नहीं पता सासुमा, इन अंडों से पेड़ कैसे निकले, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। ठीक है,
पेड़ में जो अंडे फड़े हैं उन्हें तोड़ के ले आओ, देखेंगे अंदर क्या है। अनामिका उन अंडों को तोड़ के घर के अंदर ले आती है। सास बहू दोनों मिलके उन अंडों को तोड़ते हैं और देखते हैं अंदर हीरे हैं। हर एक अंडे के अंदर हीरा या अलग अलग तरह के पत्थर। वो सभी चमक रहे थे। वो इतने चमक रहे थे कि उनकी चमक से चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। अनामिका, हमें इन्हें छुपाना होगा, नहीं तो गांव वाले अगर देख लिए तो वो हमारे घर आएंगे और चोरी भी हो सकती है। देख के लग रहा है ये जरूर कोई मायावी अंडे है। जब मैंने मुर्गी को देखा था ना, मुझे भी ऐसा लगा था। उसे देखकर मुझे बहुत आकर्षण होता था, इसीलिए मैं उसके साथ समय बिताया करती थी। अरे वो सब बाद में सोचना, पहले इन्हें जाके छुपाओ। अनामिका उन हीरे जेवरात को घर में ले जाके छुपा देती है। इस बारे में किसी गांव वालों को मत बताना। ठीक है सासुमा, अपने पति को भी नहीं बताऊंगी मैं। अगले दिन अनामिका के मन में एक ख्याल आता है। वो उन अंडों को ले जाकर अपने बगान में रोप देती है और उसकी खेती करने लगती है। दो दिनों के बाद जब वो जाके देखते हैं, तो देखते हैं कि अंडे के पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं। शारदा को जब पता चला तो वो भी जल्दी से जाके देखने लगी। ये किसने किया? मैंने किया है सासुमा। अगर हम ऐसे और भी पेड़ लगाए तो हमें और भी हीरे जवाहरात मिलेंगे, इसीलिए ऐसा किया मैंने। इस बारे में गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए। जल्दी से अपने पति को बुला के ले आओ। अनामिका जल्दी से अपने पति को बुला के ले आती है। रमेश को शारदा और अनामिका मिलके पूरी बात बताती है। फिर तीनों मिलके अंडे की खेती को इकट्ठा करते हैं और उसे घर ले जाते हैं। वो सारे हीरे जवाहरात को बोरे में भर लेते हैं और उन्हें शहर ले जाते हैं बेचने के लिए। पूरा घर पैसों के गड्ढे उसे भर जाते हैं। सासू माँ, हम अब करोड़पति हो गए। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। बेचारी, मैंने तुम्हें आज तक कितना कष्ट दिया। ये सब कुछ हुआ हमारी अच्छाई के लिए। माँ, अब मैं बैठ के मीट नहीं काटूंगा, मैं अब हीरा बेचा करूंगा। ठीक है बेटा, वही करो। तब से वो परिवार हीरे का व्यापार करने लगते हैं, साथ ही साथ उन मायावी अंडों का खेती करके वो मायावी अंडों को बेचा भी करते हैं, जिससे वो बहुत पैसे कमाते हैं और तीनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। वृंदावन कॉलोनी में 25 साल का एक हैंडसम प्रिंस रमेश और परियों की तरह खूबसूरत अनामिका एक दूसरे से प्यार करते थे। अनामिका जब भी तैयार होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आके खड़ी होती थी, वो खुद को देखकर बहुत खुश होती थी। इस ड्रेस में रमेश जब भी मुझे देखेगा, वो देखते ही पागल हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो बाहर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के इंतजार करने लगती है। तभी रमेश जीन्स पैंट, एक टी शर्ट पहन के और फैशन बाइक लेकर उसके पास आता है। वो वही जाता है जहाँ वो दोनों अक्सर मिला करते थे। फिर थोड़ी देर तक एक दूसरे से वो बातें करते हैं। रमेश, तुम जाके बेकरी की दुकान से कोल्ड ड्रिंक ले आओ ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे अनामिका, तुम मेरी भगवान हो। अगर तुम मुझे अपने कंधे में बैठाने कहोगी तो वो भी बैठा लूंगा। ये तो बस कोल्ड ड्रिंक की बात है। बताओ, कोक पियोगी या पेप्सी? कोक पियूंगी। ठीक है, ले आता हूँ। पर तुम्हें डाइट कोक चाहिए या रेगुलर कोक, क्या ले आऊं? अरे डाइट कोक। अरे रे, नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा ये बताओ, हाफ लीटर लाओ कि एक लीटर? अनामिका फिर कोई जवाब नहीं देती। रमेश समझ जाता है अनामिका नाराज है। फिर वो अनामिका को मनाने लग जाता है। अरे नाराज क्यों हो रही हो, क्लैरिटी भी तो चाहिए ना बाबा मेरी जान। हाफ लीटर, अब आपको क्लैरिटी मिल गई? अच्छा तो मैं बॉटल ले आऊं या कैन ले आऊं? रमेश के ऐसे सवाल से अनामिका ने अपना पूरा पेशेंस खो दिया। फिर वो अपना हाथ जोड़ के उसको नमस्ते करने लगी। मेरे लवर बॉय, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाके बस पानी ले आओ। अरे अनामिका, ऐसे तुम हाथ क्यों जोड़ रही हो? तुम पानी बोलोगी तो मैं पानी ले आऊंगा, पर पहले ये बताओ, तुम्हें ठंडा पानी चाहिए या नॉर्मल पानी? ठंडा पानी ले आओ। घड़े का पानी ले आऊं या फ्रिज का पानी ले आऊं? कोई जरूरत नहीं है, अब एक झाड़ू ले आऊंगी ना तो तुम पूरी तरह से सेट हो जाओगे। अरे मजाक कर रहा था अनामिका, इतनी छोटी चीज के लिए झाड़ू की क्या जरूरत? हम उसी तरफ तो जा रहे हैं, बेकरी भी बीच में पड़ता है, वहीं कुछ खा भी लेंगे और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी लेंगे। इस तरह से दो आशिक बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। उन्होंने अब फैसला ले लिया था कि अब वो अपने घर वालों से अपनी प्यार के बारे में बात करेंगे और शादी के लिए उन्हें राजी कराएंगे। वो रमेश का घर था। प्रसाद शारदा रमेश के माता पिता थे।
शारदा की एक फाइनेंस कंपनी थी। रमेश बैंक के लिए परीक्षा लिखा था और रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। शारदा सोफे पे बैठ के रमेश की शादी के लिए लड़कियों की तस्वीर देख रही थी। माँ, पिताजी, मैं आप लोगों से शादी की बात करना चाहता हूँ। हम भी यही सोच रहे थे बेटा कि तुम्हें शादी के लिए कैसे मंजूर कराया जाए। देखो, लड़की की फोटो ही देख रहे थे। मुझे वो सब लड़की नहीं चाहिए। लड़की नहीं चाहिए तो क्या तुम लड़के से शादी करोगे? अरे पिताजी, मैं अपने पड़ोस की ही लड़की अनामिका है ना, उसे प्यार करता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ। अब क्योंकि उनका एक ही बेटा था, उनके पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए रमेश और अनामिका की शादी को वो मान लेते हैं। इधर हम अनामिका के घर की परिस्थिति देखेंगे। अनामिका डाइनिंग टेबल पे बैठ के नाश्ता कर रही थी, तभी अनामिका के माता पिता शांति और रघु आते हैं उससे बात करने के लिए। फिर वो बात करते करते शादी की बात करने लगते हैं। माँ, पिताजी, मैं आप लोगों से एक बात कहने वाली हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी शादी करे, खुश रहे, तो मैं अपने पड़ोस के रमेश से प्यार करती हूँ, फिर आप लोग जाके उससे मेरी शादी तय कीजिए। देखिएगा, आपकी बेटी आपकी आँखों के सामने कितनी खुश रहेगी। इस तरह वो कहती है, अपना नाश्ता करती है और किचन में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अनामिका, रमेश एक दूसरे से फोन पे बातें करते हैं और घंटों लगे रहते हैं। रमेश के माता पिता और अनामिका के माता पिता फैसला लेते हैं कि रमेश और अनामिका की वो शादी करा देंगे। देखो बेटा, अब से तुम ये शॉर्ट्स, टी शर्ट ये सब मत पहनना, तुम्हें साड़ी पहनना होगा। उनकी इस बात पर अनामिका तैयार हो जाती है। फिर पंडित जी वहाँ आते हैं। शादी के लिए शुभ मुहूर्त तय किया जाता है कि उसी दिन रमेश और अनामिका की शादी होगी। शादी के कार्ड्स पूरे रिश्तेदारों में बांट दिए जाते हैं। बिल्कुल जिस वक्त रमेश और अनामिका की शादी होने वाली थी, अनामिका की नानी का देहांत हो जाता है। उस वक्त वो रमेश को शादी के मंडप में छोड़ के रोते रोते अपनी माँ के साथ चली जाती है। रमेश बहुत उदास हो जाता है। शादी के मंडप में ही वो एक स्टूल पर बैठा रहता है। फिर एक दो महीने में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर से अनामिका और रमेश की शादी तय होती है और शादी के लिए वो मंडप में बैठते हैं। जैसे ही रमेश अनामिका के गले में मंगलसूत्र डालने वाला होता है, पंडित जी को एक फोन आता है और वो फोन उठा लेते हैं। क्या तुम सही कह रहे हो? किसके साथ हमारी बेटी ऐसे वक्त में भाग रही है? रुको, मैं अभी आता हूँ। पंडित जी फोन पे बात करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर से उन दोनों की शादी रुक जाती है। जो भी लोग शादी में आए थे, वो उन्हें देखकर दुखी भी होते हैं और उन पर हंसते भी हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। रमेश और अनामिका का प्यार फिर शुरू हो जाता है। फिर वो एक पेड़ के नीचे दोनों मिलते हैं। अनामिका, आज डिनर पे चलोगी? ठीक है डियर। डिनर पे क्या खाओगी तुम? जो तुम कहो। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम ही बताओ। नूडल्स खाते हैं। अरे मुझे तो एसिडिटी है। फिर पराठा खा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, सुबह सुबह ही वही खाया हूँ। फिर कोई चिकन आइटम? अरे चिकन नहीं खाना। ठीक है, कोई नॉर्मल मील खा लेते हैं। वो तो रोज ही घर पे खाते हैं हम। तो तुम ही बताओ ना बेबी। नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम ही डिसाइड करो। रमेश की ऐसी बातों से अनामिका को चक्कर ही आ रहा था। बिना कुछ कहे वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद अनामिका और रमेश की फिर शादी तय होती है। इस बार शादी का कार्ड किसी को नहीं बांटते। दोनों तरफ से माता पिता और पंडित जी वहाँ पे मंत्र पढ़ने के लिए आते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ ही रहते कि जोरों से बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। तूफान बारिश इतनी जोर से होने लगती है कि सब कुछ पानी में बहने लगता है। रमेश अनामिका पानी में हिल भी नहीं पाते। वो बाढ़ के पानी में ही बैठ के अपनी शादी का पूरा नियम करते हैं। भारी बरसात में बैठ के ही वो दोनों अपनी शादी पूरी करते हैं। ऐसे बेहतरीन स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।